स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो है हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। ईच चाइल्ड हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट बाय नेचर, वेदर ही इज़ पुअर और रिच इन हेल्थ और स्टडीज़। हर बच्चे को क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट मिलता है नेचर से, चाहे वो क्या है, पुअर है, रिच है ना, स्टडीज़ में अच्छा नहीं है या है ना, जैसे भी है, लेकिन हर बच्चे के अंदर डिफरेंट टैलेंट होता है ना। किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, किसी का स्टडीज़ में होता है, या फिर कोई स्टडीज़ में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे हर बच्चे को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट नेचर ने क्या किए हैं, गिफ्ट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। He needs only positive support and cooperation from the parents and the teacher to make his hidden talent to come out for the betterment of mankind, as the case with Thomas Alva Edison. अब देखो, उन बच्चों को सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है, पॉजिटिव सपोर्ट की, कि कोई उनके टैलेंट को सपोर्ट करे और उनके साथ कॉर्पोरेट करे। अब वो चीज़ कौन करता है, पेरेंट्स और एज अ टीचर। अब देखो, टीचर मोटिवेट करता है, पेरेंट भी मोटिवेट करता है कि बच्चे को कि आपका ये टैलेंट आप कर सकते हो, है ना, आपके अंदर ये टैलेंट है। तो ये चीज़ मोटिवेट कौन करता है, पेरेंट और टीचर। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि थ्री, थॉमस एल्वा एडिसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन इन्वेंटर इन हिस्ट्री। ही इज़ द यंगस्ट ऑफ सेवन चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट एंड एवरी वन कॉल्ड हिम गेल। जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो बेस्ट नॉन इन्वेंटर थे, मतलब कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक थे। वह अपने माता पिता की 7 संतानों में से सबसे छोटे थे और सभी उनको एल कहकर बुलाते थे। एल उनका निकनेम था। एल थे वो क्या थे, वीक थे, कमज़ोर थे, फ्रजाइल मतलब नाजुक से, है ना, नाजुक बच्चे थे। उनका जो सर था वो यूजली मतलब जो नॉर्मल हेड होता है उससे थोड़ा सा लार्ज था। फॉर सम ईयर ही वॉज नो अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर। अब कुछ सालों तक उनको क्या है, स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई थी उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी। एल वॉज पुअर एट स्टडी, वंस द टीचर सैड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर द ही वॉज एडेड। जो एल थे वो स्टडी में क्या थे, अच्छे नहीं थे, और एक बार उनकी टीचर ने उनकी मदर के सामने कहा। अब देखो, एडिड को क्या है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अब देखिए नीचे आपके बुक में यहाँ पे एडिड का मतलब लिखा है, कंफ्यूज, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। एडिड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज था वो बिल्कुल। अब देखिए, वंस ए टीचर सैड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर दैट ही वॉज एडिड, His mother was teacher herself। जो उनकी मम्मी थी वो क्या थी, टीचर थी खुद भी। She decided to withdraw L from school and educate at home। मम्मी ने डिसाइड किया कि स्कूल से वो उनको हटाएंगी और घर पे ही उनको एजुकेट करेंगी। Boy Edison curiosity and daring led him into unusual adventures. At the age of 6 he went missing one day. After an anxious search his father found him sitting in a nest he had made in the barn. The nest was filled with goose egg and hen eggs he had collected. Edison had noted the way a goose hatched her egg by sitting on them. And he wanted to try it out himself. अब इसमें पैराग्राफ में क्या कहा है कि जो जब वह 6 साल की उम्र के थे उनके अंदर ऐसा साहस था कि वो अलग अलग तरह के एडवेंचर करना चाहते थे। 6 साल की उम्र में साहस ने उन्हें असामान्य, जो मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसे एडवेंचर में उन्होंने अपना इंटरेस्ट लिया। वह एक दिन उत्सुक होकर खोज के बाद लापता हो गए थे। उसके पिता ने उसे घोंसले के पास बैठा पाया। वह एक खलियान मतलब जैसे ये है, आप लिखे ना बैरन, जैसे बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब एक लार्ज फार्म होता है जहाँ ग्रेन्स रखे जाते हैं, है ना, एनिमल्स को कैप करके रखा जाता है। तो ये वो पूरा वहाँ एरिया था, वो वहाँ बैठा था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द नेस्ट वॉज फिल्ड विद गूज एग एंड हैन एग्स ही हैड कलेक्टेड। अब जो नेस्ट था, है ना, जिसके पास वो बैठा था, वो किससे भरा हुआ था, गूज का मतलब यहाँ क्या होता है, बतख, बतख होते हैं ना वाइट कलर वाले,
गूस का यहाँ मतलब क्या है? बतख। बतख और जो मुर्गी के अंडे थे, वो जो नेस्ट था वो पूरा उससे फिल था, और उसने क्या कर रखे थे, उनको कलेक्ट कर रखे थे। एडिसन हैड नोटेड द वे ए गूस हैच हर हैक। अब एडिसन ने देखा कि जिस तरह से एक हंस ने अंडों पर बैठकर अंडे दिए थे और वह खुद उसे अजमाना चाहता था। पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो एडिसन थे वो स्कूल अटेंड नहीं करते थे रेगुलरली। ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच। अब उनके जो समझ में ना आने वाली या समझ से परे ऐसी बुकें थी वो जो पढ़ते थे। हिज पेरेंट वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल। जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या थे, एजुकेटेड थे और रिफाइंड मीन्स प्योर हार्टेड के थे। उनके घर पे एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जो उनके क्या थी, तहखाने मतलब अंडरग्राउंड लाइब्रेरी होगी, तो वो बनी हुई थी। और वो सबसे ज़्यादा लगातार वर्सिकली मतलब लगातार जो बुक्स थी वो किसके बारे में पढ़ते थे, हिस्ट्री और साइंस की बुकें पढ़ते थे। ही इवन ट्राई रीडिंग साइंटिफिक बुक्स। और वो साइंटिफिक बुक्स जो थी है ना, उनको पढ़ने की ट्राई करते थे जो क्या थी, एक बच्चे के समझ में नहीं आने वाली थी, वो ऐसे ऐसी बुक्स को पढ़ा करते थे। द सेलर ऑफ हिज होम एडिसन सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वॉज 10 ईयर ओल्ड। अब उनके तहखाने में उन्होंने क्या की, एक लेबोरेटरी तैयार की जब वो कितने साल के थे, 10 साल के थे। एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन ए साइंस बुक। अब वो हर टाइम साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते रहते बुक से। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी। अब वो साइंस बुक से एक्सपेरिमेंट पढ़ के अपनी लेबोरेटरी में क्या करते थे, ट्राई करते थे। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 bottles ऑफ केमिकल्स। अब उन्होंने 200 के करीब लगभग केमिकल्स की बोतल क्या की, कलेक्ट की और उनको अरेंज किया अपनी शेल्फ में है ना। और उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, बॉटल्स के ऊपर लेबल लगा दिए और उसके ऊपर क्या लिख दिया, पॉइजन, सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल ऑन डिस्टर्ब, ताकि कोई भी उसको क्या है, डिस्टर्ब ना करे या फिर उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ओके नेक्स्ट। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली। अब जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट में आपको पता है मटीरियल लगता है, मटीरियल में उनकी क्या थी, पॉकेट मनी जा रही थी, इसीलिए उन्होंने सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज़ बॉय। तो दिस पेरेंट ऑब्जेक्टेड टू दिस। उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़ बॉय या मतलब जो न्यूज़पेपर बेचते हैं ना, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और उनके पेरेंट्स क्या थे, इसके खिलाफ थे बिल्कुल। एडिसन पॉइंटेड आउट दैट एज अ न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल मनी ही नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, वो जितना भी पैसा कमाते थे न्यूज़पेपर बेच बेच के है ना, तो वो उन्होंने सारे अपने पैसे कहाँ पे स्पेंड किए, उनको मतलब क्या ज़रूरत थी इतने पैसे कमाने की, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसे कमा रहे थे। बिसाइड्स ही कुड न्यूज़पेपर मैगजीन, और जो जितनी भी मैगजीन और न्यूज़पेपर थे वो क्या करते थे, वो फ्री में पढ़ते थे। और सून सेलिंग पीरियडिकल्स ऑन ए लोकल ट्रेन दैट ट्रैवल बिटवीन पोर्ट हुरन वेयर ही लिव्ड एंड डेट्रॉइट्स ए बिजनेस सेंटर। अब वो जल्दी ही पत्रिकाएं बेचने लगा लोकल ट्रेन्स पे है ना, जो कहाँ था, जो पोर्ट हुरन के बीच में था जहाँ एल्वा एडिसन रहते थे। और डिट्रॉइट क्या था, डिट्रॉइट एक बिजनेस सेंटर। द ट्रेन हैड अ न्यू स्मोकिंग कंपार्टमेंट विच वॉज गिवन टू एडिसन टू कीप हिज पेपर। अब ट्रेन में जो एक अलग से कंपार्टमेंट था स्मोकिंग का, वो एडिसन को दिया गया कि आप वहाँ पे न्यूज़पेपर रख सकते हैं। ही कैप्ट हिज पेपर्स देयर बट बिसाइड दैट देयर ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज लेबोरेटरी फ्रॉम द सेलर। Kept his papers there, but beside that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up. अब उन्होंने अपने newspaper वहीं रखे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने अपनी laboratory को तहखाने से भी transfer कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, transfer कहाँ कर दिया, setup कर लिया उसमें train में। तो अब next देखते हैं। In the train, at the age of 14, Edison become a striking example of overcoming hardship to pursue knowledge. अब 14 साल की उम्र में ट्रेन में स्थापित कर दिया, वो ज्ञान की कठिनाइयों पर काबू पाने में एक शानदार उदाहरण बन गए थे।
डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर ए पीस ऑफ पुअरली लैड ट्रैक. एक दिन क्या हुआ, जो ट्रेन थी वो बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उस पुअर ट्रैक की वजह से, है ना, जोल्टेड का मतलब, यहाँ जोल्टेड का मतलब होता है जैसे झटका लगना, वॉलेंटली का मतलब होता है जैसे जोर से, वॉलेंटली मतलब बलपूर्वक, है ना. जो फॉस्फोरस की बॉटल थी वो क्या हो गई, ज़मीन पे गिर गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लोर पे वो फूट गई बॉटल. बॉटल में आपको पता है जो फॉस्फोरस होता है वो जल्दी एयर एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही वो ब्रस्ट हो जाता है ना, फायर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो जैसे ही फॉस्फोरस की बॉटल ज़मीन पे गिरी, वैसे ही क्या है, वहाँ आग लग गई. द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर, द बॉय ट्राई हार्ड टू क्वेंच. अब देखो, जो पूरा वो कंपार्टमेंट था जहाँ पे वो लेबोरेटरी बनाई हुई थी उसकी, वो क्या है, पूरी वहाँ आग लग चुकी थी. वो बॉय जो था, एडिसन था, वो बहुत ट्राई कर रहा था आग को बुझाने की. क्वेंच का मतलब, देखो क्वेंच यहाँ हाईलाइट किया गया है, क्वेंच का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप करना. मतलब उस लड़के ने बहुत ट्राई किया कि वो किसी तरह आग को बुझाए अपने ब्लेजर से, है ना. तो जो ट्रेन का कंडक्टर था वो क्विकली रस्ट, द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ट इन विद वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट. अब जो कंडक्टर था उन्होंने क्या किया था, जल्दी से पानी उस पर पानी फेंका और उस कंपार्टमेंट में आग जो थी वो बुझाई. अब एट द नेक्स्ट स्टेशन एडिसन अलोंग विद हिज इक्विपमेंट एंड पेपर वॉज थ्रोन आउट बाय ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन. अब जब नेक्स्ट स्टेशन आया तो एडिसन के साथ जितने भी उसके इक्विपमेंट्स के थे एक्सपेरिमेंट करने वाले, वो ट्रेन से बाहर फेंक दिए गए. द ट्रेन मूव्ड ऑफ लिविंग हिम, ट्रेन उसको छोड़ के चली गई थी उस प्लेटफॉर्म से. और विद टीयरफुल आईज एडमिट्स हिज ब्रोकन आर्टिकल, अब उसके जितने भी आर्टिकल्स वगैरह थे वो टूट चुके थे. द एक्सीडेंट फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैज बॉक्स एडिसन इन द ईयर सो सेवरली दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डेफ बट ही डिड नॉट सी हिज डेफनेस एज ए हैंडीकैप. अब उस एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ, जैसे ब्लास्ट हुआ था तो जो एडिसन थे उनके ईयर में क्या है, ईयर बॉक्स लगा दिया गया था. अब वो धीरे डेफ नहीं हुए थे, लेकिन उनको थोड़ा सुनाई कम देने लगा. ही सेड दैट इट हेल्प हिम कंसनट्रेट, उन्होंने कहा कि ये उनको कंसनट्रेट करने में हेल्प करेगा. शटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो बाहर की जो सराउंडिंग की जो भी साउंड आएगी, है ना, शटिंग वगैरह की, तो ये उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जब वो एक्सपेरिमेंट को हेल्प कर रहे होंगे. एडिसन नेक्स्ट करियर वॉज Edison's next career was a telegraph operator. As a newsboy on a train, he had once saved the child of a station agent from being hit by the boxcar. As a reward, the station agent taught him the art of telegraphy and made him an operator. Edison ka agla career tha, wo ek train mein newsboy ke roop mein ek telegraph operator ka tha. Usne ek baar क्या हुआ कि स्टेशन के जो एजेंट थे उनका जो बच्चा था उनको बॉक्स कार की चपेट में आने से बचाया था. एज अ रिवॉर्ड द स्टेशन एजेंट थॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी, अब रिवॉर्ड में उनको जो स्टेशन एजेंट थे उन्होंने टेलीग्राफी की उनको कला सिखाई एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, उनको ऑपरेटर बना दिया. एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स, एडिसन ने कभी स्टॉप नहीं किया एक्सपेरिमेंट करना, वो एक्सपेरिमेंट करता ही रहता था और एक नई नई मशीनें जो हैं वो इन्वेंट करता रहता था, बनाता रहता था. मैनी ईयर्स लेटर ही सेट अप ए फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन, और कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी फैक्ट्रीज सेटअप कर ली जहाँ ओनली इन्वेंशंस होते थे. ही एम्प्लॉय हंड्रेड ऑफ मैंस, और वहाँ पे उन्होंने 100 कारीगर रखे या 100 एम्प्लॉय रखे जो सारा दिन किस में बिजी रहते थे, इन्वेंशंस में बिजी रहते थे. ही वर्क एज हार्ड इज एम्प्लॉय, और उन्होंने भी अपने एम्प्लॉय की तरह क्या पूरा टाइम इतना हार्ड वर्क किया. ऑफ्टन 18 आउट ऑफ 24 आवर में से 18 आवर उन्होंने पूरा हार्ड वर्क किया. वंस ए ग्रेट फायर डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, एक बार क्या हुआ, एक बड़ी आग ने उन्हें उनकी जो फैक्ट्री थी बिल्डिंग थी, है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. हिज आंसर टू वाइल लीपिंग द फ्लेम वॉज विल बिगन रीबिल्डिंग टुमारो, और उनका आंसर ये था कि आज अगर आग लगी है तो कल को हम दोबारा से रीबिल्डिंग
करेंगे। हिज आंसर टू द वाइल्ड लिपिंग फ्लेम वॉस, और उनका जो मतलब कि जंगली, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, जो फ्लेम्स जो उठ रही थी, आग की लपटें थी वो उठ रही थी, उन्होंने उनसे कहा कि अगर आज आग लगी है तो हम कल से काम वापस शुरू करेंगे। वो मतलब बिल्कुल हारने वाले इंसान नहीं थे, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। इससे यहाँ से पता लगता है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। रिसेंट फैक्ट्री टर्न आउट 100 ऑफ इन्वेंशंस, अब उनकी फैक्ट्री किसमें टर्न हो गई, 100 ऑफ इन्वेंशंस में उन्होंने बहुत इन्वेंशन किए। मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द हिज इन्वेंशन आर इलेक्ट्रिक लाइट, और उनका सबसे वैल्यूएबल जो इन्वेंशन था वो कौन सा था, इलेक्ट्रिक लाइट था, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर, एक फोनोग्राफ था और एक मूविंग पिक्चर था। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल एवरीडे लाइफ, और जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो हमारे जो हम लोगों के एवरीडे लाइफ में काम आने लगी, और द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्ड ऑन द वैस्ट डिस्क। अब जो फोनोग्राफ थे उसमें क्या होने लगी, साउंड रिकॉर्डर होने लगा, पॉसिबल वो म्यूजिक के लिए, म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए काम आने लगी डिस्क। द मूविंग पिक्चर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मूवीज़, और जो मूविंग पिक्चर थी वो किस में काम आने लगी, वो डेवलप्ड हो गई, मूवीज़ में डेवलप हो गई थी जो मूविंग पिक्चर उसने इन्वेंट की थी। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva. The moving picture led to development movies. और जो moving picture थी वो किस में convert हो गई, movies में। वो धीरे धीरे जो moving picture थी वो developed होने लगी, है ना, किस में, मूवीज में। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison.